हे गाइस, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बिजुमाय अनबैन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है बिजुमाय कमिंग पे, एंड इसके बाद बिजुमाय में आईडी बैन हो रही है। बहुत सारे लोग की हैक लगाए या फिर ना लगाए, फिर भी आईडी बैन हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करे, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद एक न्यू पब्लिशर के साथ आपको बिजुमाय देखने को मिल सकता है, जो कि इंडियन होगा, इंडियन पब्लिशर होगा। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या इस समय चल रहा है उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बिजुमाय वापस आने वाला है 100%। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, एवरेज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए, मैसेजेस किए, स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, तो उसमें एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने दिखाई कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियल पेज पे। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन सा पेज है, कौन सी अनाउंसमेंट हुई है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो क्राफ्टन आईएनसी ऑफिशियल, ये वाला स्क्रीनशॉट मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा कि इनके देखो 18,000 फॉलोवर हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं भाई, हां 18,000 फॉलोवर हैं। और इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूं कि स्टोरी में क्या लगा हुआ। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो बिजुमाय गूगल प्ले सून। तो भाई, इसको देखकर तो एक बार मुझे भी लगा कि बिजुमाय की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है क्राफ्टन की तरफ से। तो बिजुमाय 15 या 20 दिन में आ जाएगा प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के अंदर। लेकिन जब मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें देखी, तब मुझे क्या पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर फेक वीडियोज़ बना रहे, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई तो बिजुमाय बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इसलिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे जा चुके हैं, तब भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस पेज पर जाएंगे तो आपको एक भी पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इनकी फॉलोइंग में सब तो ऑफिशियल हैं, लेकिन ये वाला अकाउंट नॉर्मल है, बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। तो भाई, इतना बड़ा पेज अगर ऑफिशियल क्राफ्टन का होता तो ये नॉर्मल से अकाउंट पबजी करके, जो कि फेक अकाउंट है, उसको ना फॉलो कर रखा होता तो भाई ये पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि यह ऑफिशियल नहीं है, ये फेक अकाउंट है जो कि क्राफ्टन INC ऑफिशियल करके ये लोग चला रहे हैं और उसी पर फेक पोस्ट बना के शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इसी तरह से एक और क्राफ्टन इंडिया करके आप लोग ये वाला पेज देख सकते हैं, इसमें भी 8,000 फॉलोवर हो चुके हैं और ये भी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है ऑफिशियल क्राफ्टन टुडे, जिसमें सिर्फ 2,000 फॉलोवर हैं। तो जो रियल है उसमें कम फॉलोवर हैं, जो फेक है उसमें ज्यादा फॉलोवर हैं, क्योंकि फेक वाला फेक पोस्ट बना के शेयर कर रहा है इसीलिए उसके ज्यादा फॉलोवर हैं। तो आप लोग इन सभी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भाई इस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो ऑफिशियल है, जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर दूंगा। इसके बाद आते हैं अकाउंट बैन पे। अकाउंट बैन को लेकर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि भाई मेरी आईडी एक दिन के लिए बैन हो गई, 1 वीक के लिए बैन हो गई, 10 साल के लिए बैन हो गई। तो भाई, इस तरह से आईडी क्यों बैन हो रही है, रीजन क्या है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और एक तरीका बताने वाला हूं जिससे हो सकता है आपकी आईडी बैन ना हो। तो सबसे पहला रीजन है कि बहुत सारे लोग, जब रॉयल पास वाला ग्लिच हुआ था, रॉयल पास ओपन नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने पबजी मोबाइल की फाइल बिजुमाय में ऐड की थी और वही फाइल वो अभी तक चला रहे थे, उस वजह से भी 1 वीक के लिए या फिर 1 डे के लिए आईडी बैन हो रही थी। और अगर आपने ऐसा किया था तो गेम को डिलीट करके रीइंस्टॉल कर लीजिए, टैप टैप से आपकी आईडी बैन होने से बच सकती है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, सेकंड रीजन हो सकता है कि ऑफिशियल्स की तरफ से सर्वर में कुछ काम चल रहा हो, कुछ फाइल्स इधर से उधर की जा रही हो गेम को दोबारा से वापस लाने के लिए, वो भी रीजन हो सकता है कि आपकी आईडी इसी रीजन से बैन हो रही हो। और अगर ये रीजन है तो ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगा, या फिर इन गेम या फिर कहीं ना कहीं पर ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा अगर ऑफिशियल्स की तरफ से बिना किसी रीजन के आईडी बैन की जा रही है। तो भाई, नोटिस आएगा और तुरंत मैं आपको बता दूंगा कि नोटिस आया है ऑफिशियल्स की तरफ से। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जल्द ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। और इसके बाद बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं कि न्यू पब्लिशर के साथ गेम वापस आने वाला है, तो ये पब्लिशर क्या है और किस तरह से गेम वापस आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पबजी मोबाइल वियतनाम, वियतनाम में क्राफ्टन ने गेम को बनाया, लेकिन वहाँ पे जिसने पब्लिश किया वो है VNG गेम। तो VNG गेम ने वियतनाम में पब्लिश किया, क्राफ्टन ने पब्लिश नहीं किया, क्राफ्टन ने सिर्फ गेम को डेवलप किया है। इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पबजी मोबाइल ताइवान, वहाँ पे भी जिसने पब्लिश किया है वो है हॉट कूल गेम।
क्राफ्टर ने गेम को बनाया, डेवलप क्राफ्टर ने किया, लेकिन जो वहाँ पे पब्लिश किया वो है हॉट कूल गेम। तो हर जगह पे अलग अलग जहाँ पे न्यू गेम आया है पबजी मोबाइल ताइवान में या फिर वियतनाम में, वहाँ पे पब्लिशर उन्हीं का रहा है। उसी के बाद पबजी मोबाइल कियार, तो पबजी मोबाइल कोरिया तो आपको पता ही है कि वो तो क्राफ्टन का ही है, तो क्राफ्टन ही उसे पब्लिश करेगा, तो उसका पब्लिशर तो क्राफ्टन ही है। लेकिन अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में यहाँ पे जब दोबारा गेम आया तो क्राफ्टन ने इसे पब्लिश किया और जगह पे पबजी वियतनाम, पबजी ताइवान में वहीं के पब्लिशर थे, लेकिन इंडिया में इंडियन पब्लिशर नहीं था, क्राफ्टन ने उसे पब्लिश किया। लेकिन इस बार पता चल रहा है कि बीजीएमआई जब दोबारा से आएगा तो न्यू पब्लिशर के साथ आएगा, जैसे कि सिवर सर, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, स्काई स्पोर्ट के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, जो कि बीजीएमआई के टूर्नामेंट लैन इवेंट कराते हैं। तो इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि दिसंबर में या फिर दिसंबर के बाद ही गेम आएगा। उसके बाद नीचे एक इन्होंने एक हिंट दिया था, बीजीएमआई एक्स नेटवर्क इंडियन फ्लैग ? तो उसमें यही हिंट मिला था। और भी जो मुझे पता चला ऑफिशियल्स की तरफ से कि भाई न्यू पब्लिशर के साथ आपको गेम देखने को मिलेगा, जो कि नेटवर्क से ही आपको देखने को मिलेगा, या तो एयरटेल या फिर जियो, यही दोनों नेटवर्क में आते हैं। तो भाई एयरटेल या जियो दोनों में से कोई एक पब्लिशर हो सकता है, तो जियो का ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि आपको पता है जियो गेम्स भी है, तो भाई जियो का ज़्यादा लग रहा है कि जियो में ही आपको पब्लिशर देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होगा, गेम भी वापस आ जाएगा और डेटा को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और गवर्नमेंट के साथ सही से कनेक्शन भी बना रहेगा, इंडियन पब्लिशर होगा तो जो भी प्रॉब्लम अगर आगे कोई आती है तो वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन पब्लिशर की जब बात होगी तो वो सही से हो पाएगी। क्राफ्टन यहाँ का नहीं है तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जब इंडियन पब्लिशर होगा तो सही से कनेक्शन बना रहेगा, सारी चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। तो भाई चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि इंडियन पब्लिशर हो सकता है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, मैं 100% कन्फर्म नहीं बोलूंगा लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अभी गेम आने में टाइम है तो अपडेट्स मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचेंगी और आपसे कोई भी अपडेट या वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर विमल थूको या रजनीकंदा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।